नमस्कार, मैं हूं लवली सिंह। आप देख रहे हैं एन भारत समाचार। आइए नजर डालते हैं अलीगढ़ की कुछ खास खबरों पर। अलीगढ़ में बीते दिनों जहरीली शराब से हुई मौतों से आहत होकर एक युवक भूख हड़ताल पर बैठ गया है। जहरीली शराब से हुई 100 से अधिक मौतों पर युवक बुरी तरीके से आहत है। समाज में बढ़ रही बुराइयां कुरीतियों को लेकर शराबबंदी की अकेले युवक ने मुहिम छेड़ दी। इस समाज सुधारक मुहिम में आसपास के ग्रामीण नौजवानों का भी भरपूर समर्थन मिलता दिख रहा है। दरअसल इगलास तहसील के ग्राम गजरौट के रहने वाले विश्व विजय सिंह इगलास तहसील पर ही भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। बीते दिनों जहरीली शराब ने लगभग 100 से अधिक लोगों की जान ले ली है, जिससे विश्व विजय सिंह बुरी तरीके से आहत हुए और एक समाज सुधारक मुहिम छेड़ दी। यह मुहिम नशाबंदी वह शराबबंदी को लेकर छेड़ी गई है। विश्व विजय सिंह अकेले ही इस मुहिम में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आसपास के ग्रामीण नौजवानों ने भी विश्व विजय सिंह के हौसलों को देखकर सलाम करने लगे। एक अकेले व्यक्ति ने इतनी बड़ी मुहिम को छेड़ दिया। यह सब देखकर आसपास के ग्रामीण एक नौजवान ने भी समर्थन देना शुरू कर दिया और लगातार नशाबंदी व शराबबंदी को लेकर छेड़ी गई मुहिम में भूख हड़ताल पर बैठे विश्व विजय सिंह को अपार जन संपर्क मिल रहा है, जिससे उनका हौसला और अफजाई हो रही है, जो कहीं ना कहीं इस मुहिम को आगे ले जाने में सहयोग करेगी। हमारी एक मुहिम चल रही है जो विश्व विजय सिंह जी के नेतृत्व में चल रही है शराबबंदी को लेकर। आज हम लोग उसके समर्थन में आए हैं और समर्थन इसलिए है कि ये शराबबंदी जो मिशन इन्होंने चलाया है, ये समाज सुधार के लिए चलाया है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बुराई है जो घर के अंदर तक घुस गई है और युवाओं को ये खोखला कर रही है। तो इसलिए इसके विरोध में हम युवा बढ़कर आगे आए हैं और हम इसका विरोध करते हैं और हम शराबबंदी का समर्थन करते हैं। इसलिए हम यहाँ तहसील परिसर में धरना स्थल पर आए हैं। विजय सिंह नाम है, गांव गजरौट है, इगलास तहसील इगलास पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं हम नशाबंदी के। उसमें समाज इससे बहुत उत्पीड़ित है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है हमें, सबका भावनात्मक मिल रहा है, आ रहे हैं। बहन बेटियां हमारी बहुत परेशान हैं इस चीज़ से, घरेलू हिंसा।